और कैसे आपने पता लगा चोरी के बारे में? सर मैं अपने ससुराल गई हुई थी। कितने बजे की बात है? सर ये 10:30 बजे की बात है। आज डीएवी स्कूल में वो थी पेरेंट्स मीटिंग, तो 10:30 बजे के करीब मैं निकल गई अपने बेटे को लेके, तो उधर से ही मैं अपने ससुराल चली गई। तो अब हम शाम को आए तो देखा कि हमारे घर के लॉक वगैरह सब टूटे पड़े थे। तो क्या क्या आपका चोरी हुआ है? सर मेरी सारी मतलब शादी की ज्वेलरी वगैरह, कैश था घर में जो सब। कितना था यानी कि टोटल? सर कैश 50,000 कम से कम था। और वो जो ज्वेलरी वगैरह? 3-3.5 लाख की होगी सर, मेरी शादी की थी वो सारी। ठीक है, क्या नाम आपका? नीरज नागरा। तो क्या लॉक वगैरह बाहर लगे हुए थे या अंदर गई? सर मेन गेट का लॉक लगा हुआ था, जैसे हम लगा के गए थे वैसे ही लगा हुआ था गेट तो। और हमने लॉक खोल, मेरे मतलब हस्बैंड ने लॉक खोला तो हमें लगा कि घर ठीक है। जब हम अंदर गए तो देखा अंदर से लॉक वगैरह सब टूटे पड़े हैं, अलमारी जब अंदर देखा कपड़े सारे घर के कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं। तो आपके पति क्या काम करते हैं? वो ड्राइविंग गड्डी चलाते हैं अपनी। वो भी गए हुए थे? हाँ जी, बाहर थे वो भी दिन में। तो हम अब 8-8:30 बजे के करीब आए घर पे तो देखा। फिर हम शाम को मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि गेहूँ पड़ी है वो ओस से गिल्ली ना हो जाए, आप इकट्ठी करके कर दो से। तो 8:15 बजे करीब कम था टाइम, कम था 7:00 बजे के आसपास की बात है। हाँ जी हाँ जी, तो मैं ताला ऐसी लगे, उन्होंने लॉक खोला, गेहूं वगैरह इकट्ठी करी और मतलब मंजा अंदर कर दिया था। फिर अंदर गए तो इन्होंने फिर मैं बाहर से देखा जी, बाहर से ताला तो है नहीं लेकिन दरवाजा लग रहा है, अंदर से कुंडा लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं इधर का ताला लगाया होगा शायद, पर्ला अंदर से बंद कर दिया। यहाँ देखे यहाँ भी ताला नहीं है, यहाँ से बंद अंदर से। तो फिर मैं पीछे गया, पीछे दरवाजा खुला था, मैं इसके पास पहुंच गया, नीरू तू ताला नहीं लगा भैया करी ताला लगा रखा। तो मैं जैसे ही लाइट बढ़ी अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। हाँ जी, लॉकर वगैरह सब तीनों कमरे मतलब सारे।